बहुत 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 मजे की रेसिपी लाई हूँ और इसको बनाने वाला कौन है? गेस करें, मेरी दादी। मेरी दादी को बहुत ज्यादा कैमरा फोबिया है। मैंने बहुत दादी से रिक्वेस्ट करके कहा है कि दादी प्लीज हमारे व्यूअर्स से भी शेयर करें ये रेसिपी, क्योंकि ये बहुत अच्छी इराकी रेसिपी है। ये कुछ ही लोगों ने खाई होगी, मगर जब आप ये खाएंगे तो आप मजे से बहुत आपको अच्छी लगेगी है। तो दादी, मैं दादी से कहूंगी कि दादी मुझे बताएं कि इस रेसिपी का नाम क्या है और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। वालेकुम व्यूअर्स, ये मेरी फातिमा मेरी पोती है और इसकी ख्वाहिश है कि मैं इसको कोई ऐसी डिश खिलाऊं बना के जो सब लोग उसको पसंद करें। तो ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिश, इराकी डिश है ये, और बड़ी आप लोग खाएंगे तो आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। इसका नाम कुबे है और इसको कुबीस भी कहते हैं, जो आप मर्जी है इसको जिस तरीके से पुकारना चाहे। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं 3 पाव चावल, 1/2 किलो कीमा और बादाम, 1 पाव बादाम, 1 पाव किशमिश, 5 अदद टमाटर और 7 अदद प्याज, 3 अंडे और 1/4 चम्मच मिर्च लेते हैं और 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक लेते हैं। और साथ ये है कि ये अदरक का पेस्ट है, अदरक का पेस्ट है, ये भी हम डालते हैं इसके अंदर। तो चलिए दादी, हम जल्दी से अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आप भी जल्दी जल्दी से देखिए क्या होता है इस रेसिपी में। अब हम चावल उबले हुए उबाल के पानी, अब इसमें हम ये चावल डाल रहे हैं। अब ये हमने पानी उबाला और हमने इसमें हम ये चावल डाल दिए ताकि ये उबल जाए और सॉफ्ट हो जाए। गाइस ये देखिए, हमने ये चावल उबलने के लिए रख दिए हैं। व्यूअर्स, ये आपके सामने मैंने चावल रखे हैं बॉयल होने, अब ये तकरीबन हो चुके हैं। अब इसका पानी मैं निकाल के इसको इसी पतीले में डाल के दम पे लगा दूँगी, बगैर ऑयल के दम पे लगा दूँगी। और एक तरफ मैंने ये थोड़े से ऑयल में कीमा, 1/2 किलो कीमा है और ये 7-8 प्याज है और 5 टमाटर है और नमक मिर्च वगैरह सब इकट्ठे डाल देने हैं इसके अंदर और इसको भून लेना है। सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के इसको और भून लेना है इसको। अभी मैं टमाटर और मसाले भी डाल दूँ? हाँ, ये सब डाल दो इकट्ठा। ये देखिए, ये सारे मसाले, सारे टमाटर, सारा प्याज सब हमने डाल दिया है और अब हमने इसको भून लेना है। गाइस ये देखिए, यहाँ पे मैं भून रही हूँ कीमा। ये गाइस बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, और यहाँ चावलों को क्या किया? और ये चावल उबाल के और हमने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दिया और अब खुले बर्तन में निकाल के इसमें हम 2 अंडे मिलाएंगे और उसको आटे की तरह गूंदेंगे। अभी तो ये अभी गूंदते तो रहेंगे, खाएंगे कब? अभी बहुत देर है, आप सबर से काम करें। हाँ। इसमें 2 अंडे मिलाएंगे और इसको फिर आटे की तरह गूंद लेंगे चावलों को। और इसको हम गूंदेंगे उसको और फिर हम इसको इसमें नमक मिला ली है, नमक मिला लिया और इसको आटे की तरह गूंद के और इसको एक साइड पे रख देंगे। जब व्यूअर्स देखें, अब ये भुनने वाला है, बिल्कुल तकरीबन भुन ही गया है। अब इसके अंदर हम बादाम और किशमिश डाल के उसको फिर भूनेंगे ताकि बिल्कुल हम बादाम किशमिश पहले इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो इन चीज़ों में घुल मिल जाता है और फिर मज़ा नहीं आता। तो अब हम डालेंगे बादाम और किशमिश और थोड़ा सा फिर भूनेंगे इसको ताकि बिल्कुल ये सूख जाए। जी दादी, मैं डाल दूँ? हाँ जी, डाल दो फातिमा, आप डाल दो। ओके, दोनों चीज़ें डाल दो। ये देखिए, बादाम डाल दिए हमने और ये हमने अच्छी तरह बादाम डाल दिए और ये हमने डाल दिए किशमिश। अब इसको हम दोबारा भूनेंगे। आटा भी हमारा गूंदने वाला है और फिर हम आपको दिखाते हैं बनाते हैं। जी, अब जैसे हमारा जो चावल है वो भी गूंदने वाले हैं तकरीबन, अब हम आपको चावल भी दिखाते हैं कि वो कैसे गूंदे हैं। अब हम इन कुबों को शेप देंगे,
ये इसको हम आटा जो हमने बनाया है इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के अपने हाथ में और इसको हम शेप देंगे चावलों को, और जब इसको और इसको बिल्कुल पतला सा अपने हाथ में इस तरह से आपने रखना है, इसको ज़रा सा भी मोटा ना हो। और इसमें हमने क्या करना है, फिर ये जो हमने भुना हुआ कीमा रखा हुआ है इसको हम इसके अंदर फिल करेंगे और फिर इसको हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के और आप इसको ओवल शेप का बना लेंगे और आस्ता आस्ता इसको आपने ऐसे ऐसे करते जाना है। दादी मतलब अंडे बनाने हैं ना? हाँ अंडे बनाने हैं और इसको हमने ओवल शेप ऐसे देना है इसको बिल्कुल, बस इसको बनने वाले और इसको बिल्कुल हमने कीमे को बाहर नहीं नजर आना चाहिए क्योंकि फिर वो जल जाते हैं ऊपर से ना, ये कुबी जल जाते हैं, इसलिए हमने ऐसे बना के इसको और हमने इसको ऐसे रखते जाना है और सब ऐसे बनाने हैं जैसे ये बनाया है। अब ये देखें हमने ना ये इसमें ऑयल रखा है, इसको हम तेज़ करेंगे ऑयल को, काफ़ी तेज़ गरम करके इसको, फिर ये अब मैंने ये कुब्बे बना लिए हैं, अब इन कुब्बों को पकड़ के हाथ में और इसको इस तरह करके ताकि इसकी शेप और सही हो जाए और फिर हम इसको इसमें डालेंगे ऑयल में। इसे गोल्डन फ्राई तक करना है फ्राई। हाँ गोल्डन फ्राई। भाई चुप। जी गाइस हमारे कुब्बे रेडी हो गए हैं, अब मैं आपको इसको बताऊंगी कि ये अंदर से कैसे हैं। ये देखें बहुत क्रिस्पी है, ये को हम ये तोड़ेंगे, ये देखिए ये अंदर से कितने अच्छे हैं। इसको अब हम केचप में डिप करके, वो इधर ही गिर गया, खूब सारी केचप के साथ खाएंगे जी। बाय।